हेलो, गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम ये हमारा जो सेकंड चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसका सेकंड पार्ट इसको हम पढ़ेंगे। द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। आप सभी पूरे चैप्टर को एक साथ देखेंगे। ये जो चैप्टर है द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, इसमें हमें बताया गया है कि सहनाई का की जो ओरिजिन है वो किस प्रकार से हुआ, और बिस्मिल्लाह खान जो एक भारत रत्न पुरस्कार जिनको दिया गया, उन्होंने सहनाई के लिए कितना प्रयास किया, किस तरह से उसको इम्प्रूव किया और एक नए शास्त्रीय संगीत के वाद्य यंत्र के रूप में उसको स्थापित किया। यहाँ पर हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। ये सहनाई है, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी जो कहा जाता है उसका ही एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। ये इस चैप्टर में अब हम पढ़ते हैं और पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़ेंगे। अपनी सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आग्रह है कि वो अपनी किताब जो है उसको खोलें और साउंड ऑफ म्यूज़िक में ये जो सेकंड पार्ट है द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, हमने इस पे स्क्रीन पे जो खोल रखा है, इस चैप्टर को भी खोल के रखेंगे और मीनिंग को साथ ही साथ लिखते जाएंगे। अगर ये लग रहा है कोई कठिन शब्द आ रहा है तो उसको आप नोट करते चलिएगा, बाद में और उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। कॉपी पे भी लिख सकते हैं कच्ची पेंसिल से। और अभी अब चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। ये यहाँ पर नंबर 1 लिखा है, वहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। ये एम्परर औरंगजेब, एम्परर का एम्परर कहते हैं सम्राट हिंदी में, ये एम्परर औरंगजेब थे। इन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो पुंगी कहा जाता था जिसे, उसको रॉयल रेजिडेंस में बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया, उसको बैंड कर दिया। बैंड करना मतलब प्रतिबंध लगा देना, उसको प्रतिबंध कर दिया। पर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी जो साउंड थी ये काफ़ी तीखी और अनप्लीजेंट थी। अनप्लीजेंट का मतलब अप्रिय, प्लीजेंट का एंटोनिम्स होता है अनप्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब प्रिय, अनप्लीजेंट मीन्स अप्रिय। पुंगी बीकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। पुंगी जो है एक जेनरिक नेम है जो नॉइज मेकर्स होते हैं। नॉइज मेकर्स का मतलब जो वाद्य यंत्र बजाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो जो शोर करते हैं और जो रीड से बने हुए हैं। रीड एक प्रकार का सरकंडा होता है जिसमें बीच में छेद होते हैं, पाइप जैसा होता है, उसके लिए कहा गया कि ये उससे बने हुए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको रीड मेकर, नॉइज रीडेड नॉइज मेकर्स कहने लेखक कहते हैं। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। न के बराबर लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि यह एक दिन पुनः रिवाइव होगी। रिवाइव होने का मतलब जीवित हो जाएगी। और बार बार अब बार बार ऑफ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, एक जो नाई परिवार था जो पेशेवर संगीतज्ञ थे। प्रोफेशनल का मतलब पेशेवर, जो संगीतज्ञ थे, कहना हु हैड एक्सेस टू द रॉयल फैमिली, जिनकी शाही रॉयल पैलेस, शाही जो महल था वहाँ तक जिनकी एक्सेस थी। एक्सेस का मतलब पहुँच, अप्रोच। वो हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। कर उन्होंने इसकी जो टोनल क्वालिटी थी पुंगी की उसको इम्प्रूव करना तय किया। टोनल क्वालिटी मतलब उसकी ध्वनि से संबंधित जो गुण थे पुंगी के, उसको इम्प्रूव करना तय कर लिया। हु हैड एक्स पुंगी, ही चोज अ पाइप
विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम। उन्होंने एक पाइप को चुना जो प्राकृतिक रूप से, जिसका जो स्टेम था तना वो हॉलो था, बीच में छेद था, दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, या पुंगी से काफ़ी बड़ा था और लंबा था, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ पाइप, और उस पाइप के ऊपर जो बॉडी थी उस पर 7 होल्स थे। व्हेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। कह रहे तब जब वो उसके जो छेद थे उनको बंद करते हुए और खोलते हुए, उन छेदों में से कुछ को बंद करते हुए और कुछ को खोलते हुए, कह रहे उनको खोल कर रखते थे, और इन तब जब उसको बजाया जाता था तो उससे काफ़ी कोमल और स्वरीली सुरीली बिल्कुल स्वर उत्पन्न, ऐसी ध्वनि जो थी म्यूजिक वो उत्पन्न होती थी, साउंड स्वर और लिखा ना प्रोड्यूस्ड ये उत्पन्न होती थी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को उस शाही दरबार के सामने बजाना शुरू किया, बजाया इंस्ट्रूमेंट बिफोर द एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और जितने भी लोग थे सभी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, कहना यह जो इंस्ट्रूमेंट था वाद्य यंत्र था ये उस पुंगी से थोड़ा डिफरेंट था और इसलिए उसको एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि ये कहानी कहती है, सिंस इट वॉज द फर्स्ट प्लेड इन द सास चैम्बर, क्योंकि पहली बार जो साह थे उनके चैम्बर में बजाई गई, प्ले किया गया इसको। साह का मतलब वहाँ के बादशाह राजा, एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई, और नाई के द्वारा बजाई गई, नाई बार बार जो बाल काटने का काम करते हैं कर उसके द्वारा बजाई गई। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द सहनाई, और इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम सहनाई दिया गया। ये इधर पुंगी का पिक्चर है और इधर सहनाई का, ये पहले पुंगी होती थी इस तरह की जिसको बीन कहते थे, और अब हम ये जो हमारा आगे है सेकंड पैरा इसको पढ़ते हैं। द साउंड ऑफ द सहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, ये जो सहनाई की जो आवाज़ थी कह रहे हैं कि ये शुभ, इसको शुभ समझा जाने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और इसी कारण से सहनाई अब भी मंदिरों में बजाई जाती है। एंड इज एन इंडिसिपेंसल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और कोई भी जो उत्तर भारत की जो वेडिंग्स होती हैं, शादी होती हैं, उसका एक इंडिसपेंसिबल कंपोनेंट हो गया। कंपोनेंट का मतलब उसका भाग बन गया, और इंडिसपेंसिबल अपरिहार्य, एक निश्चित अनिवार्य पार्ट उसका बन गया, उसका एक अंग बन गया सहनाई, कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इन द पास्ट द सहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एन असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, फिर लिख करें कि बाद में भूतकाल में द सहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत, ये एक नौबत का पार्ट बन गई, और ट्रेडिशनल इनसेम्बल्स ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, जो शाही दरबार में 9 जो इंस्ट्रूमेंट्स बजते थे, जो शाही इंस्ट्रूमेंट्स रहते थे, उनका एक हिस्सा हो गई, उनमें एक इसका स्थान हो गया सहनाई का एक पारंपरिक रूप से। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, फिर भी लेखक कह रहे हैं कुछ समय पूर्व तक ये जो सहनाई थी, कह रहे हैं कि सहनाई का प्रयोग केवल मंदिरों और विवाहों में अब किया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट आल्सो द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, लेकर हैं कि इसका जो क्रेडिट है इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज तक पहुंचाने का, जो श्रेय जाता है ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है।
एज ए 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड ए, तीसरा पैरा हम शुरू करते हैं, थर्ड नंबर देखा जाए यहाँ पर। एज ए 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड। जब ये जो बिस्मिल्लाह खान थे लगभग 5 साल के लड़के, प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड, एक तालाब किनारे वहाँ गिल्ली डंडा खेला करते थे, इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराऊ, डुमराऊ के एक प्राचीन गांव वहाँ ये खेला करते थे बिहार में। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल्स टू सिंग द भोजपुरी चैता, और वो प्राय करें वहाँ जाया करते थे बिहारी जी का जो मंदिर था उस पर, टू सिंग द भोजपुरी चैता, ये भोजपुरी जो गीत होता था चैता उसको गाने के लिए वो वहाँ जाते थे। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग, थोड़ा सा आगे बढ़ गए हम, चैता एट द एंड ऑफ विच, और उसके फिर अंत में, ही वुड अर्न अ बिग लड्डू बैगिंग 1.25 kg, 1.25 kg का, कह रहे कि उसके बदले उनको एक 1.25 kg का लड्डू दिया जाता था, उनको उन्हें मिलता था अ प्राइज पुरस्कार के रूप में, जो वहाँ के महाराज थे लोकल महाराजा उनके द्वारा दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago, की बात 80 साल पहले की थी। एंड द लिटिल बॉय वॉज ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, और उस छोटे से बच्चे के लिए एक जो सबसे बड़ा भारत का सिविलियन अवार्ड है उसको प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी यात्रा करनी पड़ी। ये जो सबसे बड़ा अवार्ड था द भारत रत्न, उसको प्राप्त करने के लिए उस बच्चे को बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ी। अब हम ये फोर्थ पैरा इसको पढ़ते हैं। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, और 21 मार्च को 1916 में उनका जन्म हुआ था बिस्मिल्लाह खान का। कह रहे हैं बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू वेल नोन फैमिली ऑफ ए म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, बिहार के जो एक बड़ा प्रतिष्ठित संगीत से जुड़े हुए परिवार में उनका बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, और उनके जो दादा थे रसूल बख्श खान, कह रहे जी उनके जो दादा थे रसूल बख्श खान, वो भोजपुर के राजा के दरबार में सहनाई नवाज थे, मतलब सहनाई गाने वालों में से एक प्रमुख वो थे, वो जो वहाँ के राजा थे। रसूल बख्श खान वॉज द सहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, हिज फादर पैगंबर बख्श, और उनके जो पिता थे पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स, और दूसरे कुछ और जो पूर्वज थे उनके पैतृक पूर्वज, वो भी एक प्रसिद्ध सहनाई वादक थे, काफ़ी प्रसिद्ध सहनाई वादक थे वो भी। अब हम ये फिफ्थ पैरा इसको हम पढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं। ये जो पैराग्राफ पांचवा है ये शुरू होता है द यंग बॉय टुक द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, यहाँ से शुरू होता है और हम इसको पढ़ेंगे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, उस छोटे से लड़के ने बहुत अपने प्रारंभिक जीवन में ही म्यूजिक को सीखा। एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 साल के थे उस समय, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस नाउ वाराणसी, जब उनकी जो मदर थी उन्हें अपने मामा जी के घर पर वाराणसी में ले गई थी। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग द अंकल प्रैक्टिस द सहनाई, और जो बिस्मिल्लाह खां थे ये अपने जो मामा लोग थे उनको अभ्यास करते हुए देखते हुए, प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास करते हुए देखते हुए, वो काफ़ी मंत्र मुग्ध से हो जाते थे, उन पे मुग्ध हो जाते थे, उसको वैसे ही देखते रहते थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एकम्पनाइंग हिज अंकल,
और शीघ्र ही बिस्मिल्लाह खान ने अपने जो अंकल थे उनके साथ अभ्यास करना शुरू कर दिया, उन्होंने सीखना शुरू कर दिया अंकल के साथ ही। सून बिस्मिल्लाह खान स्टार्टेड एकम्पनाइंग हिज अंकल, अपने अंकल के साथ जाना शुरू कर दिया, उनका साथ देना। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल्स ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द सेनाई। तो कह रहे हैं कि जो अली बख्श थे टू द विष्णु टेम्पल्स ऑफ बनारस, ये बनारस का जो विष्णु टेम्पल्स था वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द सेनाई, जहाँ पर बख्श की नियुक्ति हुई थी वहाँ पर सेनाई वादन के लिए। अली बख्श वुड प्ले द सेनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, और उसमें जो बिस्मिल्लाह थे ये वहाँ पर उनके साथ बैठते थे, काफ़ी देर तक बैठा करते थे। वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, काफ़ी अंत समय तक वहाँ पर मंत्रमुग्ध हुए वैसे ही बैठे रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और शीघ्र ही लेकर कह रहे हैं उन्होंने भी शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर दी। ही गेट स्टार्टेड लेसन्स, लेसन्स का मतलब कोई शिक्षा करे लेखक, उन्होंने वो शुरू कर दिया सीखना। इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट पर प्ले होना करना शुरू कर दिया उन्होंने। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और दिन भर बैठे करके वहाँ अभ्यास किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल्स ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एट द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकम द यंगर अप्रेंटाइज फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। लेखक कहते हैं कि धीरे धीरे जो बिस्मिल्लाह खां थे इन्होंने सेनाई बजाने का रियाज शुरू कर दिया, अब पूरे दिन बैठकर रियाज करते थे। और आने वाले वर्षों में बालाजी और मंगला मैया के जो मंदिर था और गंगा जी के तट पर बालक जो नया नौसिखिया बालक था, न्यू प्रैक्टिसाइज अप्रेंटिस का मतलब नौसिखिया टाइप बालक जो था, वह अक्सर जाया करता था वहाँ। फेवरेट हॉन्ट्स, और कह रहे उसका जो प्रसिद्ध गीत था, जो उसकी सबसे बड़ा जो शौक था, फेवरेट हैंड्स उसके लिए कहा है प्रसिद्ध गीत उसका जो था, गंगा जी के लेकर वहाँ पर एकांत में अभ्यास किया करते थे बैठ करके एकांत में। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, और गंगा का जो बहता हुआ पानी था इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रूव एंड इन्वेंट राग्स, और वो उनको जो राग गाते थे उनको विकसित करने में उनकी बहुत हेल्प करता था, उनको सुधारने में, उनको नए तरीके से पुनर्लेखन में ये राग जो थे बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। और बियॉन्ड द सेनाई, कह रहे बियॉन्ड द राग ऑफ द सेनाई, सेनाई के द्वारा जो बजाने वाले कह रहे हैं सेनाई द्वारा जो बजाने वाले थे उसकी रेंज से काफ़ी परा काफ़ी दूर समझा जाता था इन राग्स को, उन्होंने उनको भी कंसिडर किया। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद जो सिक्स पैरा है, एट द एज ऑफ 14, यहाँ से हम अब पैरा को पढ़ते हैं। ये सिक्स पैरा है। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह एकम्पनाइड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान ने अपने जो अंकल थे उनका इलाहाबाद में एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस था, संगीत सम्मेलन जैसा, वहाँ पर उन्होंने उनका साथ देना शुरू किया, उनका साथ दिया। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, और वो संगीत का जो गायन था वादन था उच्चारण जो था, उसके बाद उस्ताद फयाज खान पेटेड द
वॉइस ऑफ द कवर करें। उन्होंने जो करके बैक एंड सेट जो फयाज खान थे, उन्होंने उसकी जो कमर थी पीछे का सब बैक कह रहे हैं उसको पेटेट के थपथपाया और कहा वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कठिन परिश्रम करो और अब आप आगे को और प्राप्त कर सकते हैं, ये सब कुछ पुरस्कार आपको मिल सकता है। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाज बिग ब्रेक करें। और फिर ये जो लखनऊ में एक जब ये शुरू हुआ चौदह वर्ष ऑल इंडिया रेलवे स्टेशन जब चालू हुआ तो बिस्मिल्लाह के जीवन में उस समय एक बहुत बड़ा चेंज आया, एक बहुत बड़ा उस समय बदलाव आ गया उनके लाइफ में। ही सून बिकेम एन ओपन हार्ट सहनाई प्लेयर ऑन रेडियो और शीघ्र ही वो एक रेडियो पर सहनाई प्लेयर के रूप में जाने जाने लगे, लोग उनको पहचानने लगे कि वो एक अच्छे प्रसिद्ध सहनाई वादक हैं। अभी हमारा जो सिक्स पैराग्राफ है ये पूरा हो गया है और अब हम आज केवल यहीं तक हम पढ़ेंगे सिक्स पैरा, और जो अगला वीडियो हम और डालेंगे इसमें हम पूरा चैप्टर डालेंगे। और इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देंगे पैराग्राफ के, जिनको इस पूरे चैप्टर को पढ़ करके वो उनके आंसर्स उन क्वेश्चंस के आपको पिकआउट करने हैं, अपनी एक कॉपी पर लिखना है और फिर राइट आंसर्स क्या हैं वो हम ग्रुप में डालेंगे, जो हम क्वेश्चन डालेंगे उससे वो कॉपी करेक्ट होगी आपकी, आपको अपना सही काम करना है। और इसी के साथ हमारे इस वीडियो लेक्चर में ये सिक्स जो टॉपिक्स हैं ये पूरे होते हैं। और आप एक काम को मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर देंगे तो जितने भी वीडियो डालते रहेंगे तो निरंतर आप पर जाते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको होमवर्क मिलता रहेगा, घर बैठ के आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड बाय डियर स्टूडेंट्स। ओके।